ये मेरे कबर्ड का हाल है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरी माँ ये व्लॉग देखे, पर क्या करे, व्यूज़ भी तो वहीं से आते। सबसे पहले हम लोग ये वाला कपड़ा बाहर निकालेंगे, ये बॉक्सेस को थोड़ा ब्यूटिफाई करेंगे, बाहर जो कपड़े हैं उसको भी तसंदे से पाइल अप करेंगे, और उससे पहले यहाँ पर लगाएंगे एक हैंगर जिससे हमको पता चले एग्जैक्टली मेरे पास कितने कपड़े हैं और कौन से कपड़े हैं। तो हाँ, उसके लिए वो वाला काम कर देंगे। सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं। ये काम तो सचमुच एक चुटकी में हो गया, पर असली काम अब शुरू होता है। ये है मेरे हैंगर्स और ये है कपड़े। वैसे तो हम ट्राई करते कि मेरे पास मिनिमल कपड़े रहे, फिर भी हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पता नहीं आएगा कि नहीं, इसीलिए ऊपर हम सिर्फ टॉप्स टांगना शुरू कर दिए। एंड ब्रो, क्लीनिंग इज सो थेरेप्यूटिक, इतना मजा आ रहा है, मतलब एक्साइटेड हो रहे हैं कैसा दिखेगा। इन सब को तो हैंग करना हो गया, पर इन सब में बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो हम कभी नहीं पहनेंगे और हम बस बाद में पहनेंगे बोल के रखे हैं। तो इस बार हम फाइनली अलग कर लिए और जितना बाकी था वो सब हैंग कर लिए। टॉप्स तो सही जगह पहुंच गए, अब बारी है सारे टी शर्ट्स को अच्छे से फोल्ड करके डिब्बे में रखने का। एंड देखो, एक बात हम बता दें कि भले ही मेरे टी शर्ट्स चोरी के हैं, फिर भी हम सबको अच्छे से रेस्पेक्टफुली रखते हैं, ठीक है? सुन रहे हो ना राज भैया? अब इस डिब्बे को हम ये रैपर से अच्छे से कवर कर दिए हैं, एंड मेरे वुडन कबर्ड के साथ ये कलर जा भी रहा है। सो या, जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर। आई डिडंट प्लान टू हैंग दीज ब्लेजर्स इधर, क्योंकि हम रेगुलरली नहीं पहनते, पर ये ग्रे वाले का हालत देख के मेरा मन बदल गया, एंड अभी इन दोनों को यही टांग रहे हैं। इसमें इतने सारे रिंकल्स, आई डोंट नो इसका क्या करेंगे, क्योंकि हमको ब्लेजर आयरन करना नहीं आता, तो शायद हम इसको आयरनिंग के लिए बाद में दें। अभी के लिए ये ब्लैक वाला बिल्कुल सही हालत में था, तो अभी के लिए हम इन सबको पीछे इधर टांग रहे हैं, क्योंकि ये हम रेगुलरली नहीं पहनते, शायद किसी प्रेजेंटेशन में पहने हैं, इसीलिए अभी इसको इधर रख दिए। वो जो टी शर्ट का बॉक्स है वो भी यही रख दिए, पर ये वाला स्पेस हम एकदम खाली रखेंगे यहाँ और कुछ भरेंगे नहीं, ताकि ये कपड़े निकालने में हमेशा ईजी हो। पहला फ्लोर हो गया। अब बारी है इस ड्रॉअर का, इसका सारा सामान हम बाहर निकाल चुके हैं, और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजर भी खरीदे, पर वो ऑर्गेनाइजर उस कलर का नहीं है जिस कलर का हम ऑर्डर किए, एंड अनफॉर्चुनेटली हम इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते क्योंकि 2 वीक के बाद अनबॉक्स कर रहे हैं, और इसमें एक पीस टूटा हुआ भी था, एक बेंट भी था, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए चलेगा। बाकी बॉक्सेस को भी हम अच्छे से रख दिए, और ये है मेरे कबर्ड का फाइनल लुक। ब्रो, इस पॉइंट पे हम खुद ही इतने सेटिस्फाइड है कि पूछो मत। यहाँ पर है मेरे टॉप्स, यहाँ पर है मेरे टी शर्ट्स, यहाँ पर है मेरे नाइट पैंट्स एंड ऑल, यहाँ एक छोटू स्पेस है बेडशीट टॉवल्स के लिए, इधर है मेरे जॉगर्स प्लाजोज, यहाँ है मेरे सारे कुर्तीज जो मेरी माँ ने बनाए हैं, यहाँ पर है मेरे सारे ड्रेसेस, यहाँ स्ट्रैप वाले टॉप्स, पीछे स्कर्ट, ये भी सारे मेरी माँ ने बनाए हैं। एंड या, ये हो गया। अब अगर तुमको भी ये लो कॉस्ट कवर्ड मेकओवर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो। लाइक मैं तो थक गई भाई साहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब शैली का सफर फॉर मोर सच ब्लॉग्स।